में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने बड़े गिरोह को पकड़ा, अब तक 42 आरोपी गिरफ्तार। 7 आरोपियों की तलाश अभी जारी है। युवतियों को प्रेमिका बनाकर करता था शोषण। लक्ष्मी नगर इलाके से देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश कर 21 लड़कियों को मुक्त कराया था, जिनमें से कई लड़कियां बांग्लादेश की थी। वहीं इसके बाद उस दौरान पूरे मामले के तार एमडीएमएस ड्रग्स से जुड़ गए थे और उसी के बाद इस वर्ष 15 नवंबर को विजयनगर की एक होटल में दबिश देकर देह व्यापार में लिप्त बांग्लादेशी युवतियों को गिरफ्तार किया गया, जो अवैध रूप से बॉर्डर पार कराई गई थी। और पूरे मामले में पुलिस को विजय दत्त नामक शख्स की शिकायत मिल रही थी। बड़ी मुश्किलों से इंदौर पुलिस ने विजय दत्त नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी के मुताबिक शिकायत के बाद विजय दत्त को ढूंढने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मदद ली गई और फिर विजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्होंने बताया कि विजय दत्त का असली नाम मोमिनुल हुसैन है, जो बांग्लादेश के पावना गांव का रहने वाला है। वो 10 साल पहले बांग्लादेश से भारत आया था और फिर उसने अपने फर्जी तरीके से राशन कार्ड और उसके आधार पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट विजय दत्त के नाम से बनवा लिया था। ये भी पता चला है कि जो विजय दत्त, इसका असली नाम नहीं था, इसका असली नाम मामूनूर, पिता तफज्जुल हुसैन है। और इसके बारे में ये भी पता चला कि इसकी एक शादी इसने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में की थी और एक शादी इसकी बांग्लादेश में है। ये दो तो पत्नियाँ इसकी ऑथेंटिक हैं। इसके अलावा ये जो भी लड़की बांग्लादेश से आती है, इसको ठीक लगता है तो कुछ समय अपने पास में इसे प्रेमिका बना के रखता है और फिर जब उनका समय निकल जाता है तो उनको दूसरी जगह भेज देता है, उस देश के दूसरे हिस्से में भेज के उनसे भी अपने जो सबॉर्डिनेशन रख के उनसे भी धंधा करवाता है और उनके अंडर में लड़कियां भेजता है। विजय दत्त उर्फ मोमिनुल ने भारत में कदम रखते ही सेक्स के धंधे में अपनी किस्मत आजमाई और वो शुरुआत में सफल हो गया। पुलिस के मुताबिक विजय दत्त ने देह व्यापार फैलाना शुरू किया और फिर वो बांग्लादेश में अपनी पत्नी के एनजीओ और दलालों की मदद से मानव तस्करी कर अवैध रूप से सीमा पार करवाकर गरीब और बेसहारा युवतियों को नौकरी दिलवाने के नाम पर भारत बुलवाता था। इसके बाद उसका टेरर शुरू हो जाता था। वो युवतियों को अपने गिरोह की मदद से पहले तो पासपोर्ट न होने के चलते धमकाता था, यदि उसके बाद भी युवतियाँ नहीं मानती थी तो वो उन्हें एमडीएम ड्रग्स की लत लगा देता था। वहीं कई युवतियों को तो वो पहले खुद इस्तेमाल करता था और फिर मार्केट में वस्तुओं की तरह बेच देता था। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कुल 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जब लड़की को क्रॉस बॉर्डर क्रॉस कराते यहाँ लाते थे, पहले तो 6 महीने उसको ट्रेन करते थे, उसको छोटे कपड़े देकर ये लड़कियों द्वारा और जो दूसरे एजेंटों उनके द्वारा उसको मारपीट कर इसके लिए विवश किया जाता था। फिर उसके बाद उनको धमकाया जाता था कि आपके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है, इसलिए आप जाएंगे बाहर तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। वो लोग डर के कुछ करते थे और उनके साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये होती थी, उनको अपने घर पर पैसे भेजना रहता था गरीबी के कारण, तो इसलिए फिर वो विरोध भी नहीं करती थी और फिर वो इस धंधे में लग जाती थी। जब इसी प्रकार से चलने लग जाता था तो फिर वो लोग जो ये विजय दत्त, बबलू, जीवन, ये हैं, ये लोग मुंबई से स्थानीय एजेंट जो होते हैं देश के दूसरी जगह, सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, जैसे देश के दूसरे हिस्सों में भी जो इनके एजेंट रहते हैं, वहाँ पर वीडियो कॉल करके उन लड़कियों को बताते थे कि ये लड़की है, अगर आपको चाहिए तो देख लीजिए। तो फिर उसके हिसाब से उनका रेट तय होता था, एक निश्चित रेट सप्ताह के लिए, 3 दिन के लिए, जैसे इस रेट पर फिर वो एजेंटों के पास आती थी, जिस रेट पर एजेंट के पास आती थी वो रेट एजेंट विजय दत्त के खाते में डाल देते थे और इस प्रकार इनका वो चलता था। देश के हर प्रदेश में अपना गिरोह बनाने वाले विजय दत्त उर्फ मोमिनुल को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
वहीं पुलिस ने उसके सेक्स रैकेट के कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 7 अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस अभी कर रही है। आपको बता दें कि विजय दत्त द्वारा लड़कियों को बेचने और किराए पर देने का तरीका भी डिजिटल था। वो पहले लड़कियों की नुमाइश वीडियो कॉल पर करवाता था और उसके साप्ताहिक या मासिक आधार पर किराए से उन्हें देता था या फिर हमेशा के लिए दलालों को बेच देता था। वहीं लड़कियों को देश में भेजने के लिए बोली के आधार पर हवाई तो कभी रेल सफर के जरिए अलग अलग शहरों में भेजता था। वहीं जो युवतियां धंधा करती थी उनसे ज्यादा काम कराने के लिए वो शरीर के खास अंगों को सुन्न करने के लिए एनेस्थेटिक पद्धति का उपयोग करता था ताकि युवतियां दिन रात की शिफ्ट कर सकें। वहीं आरोपी मोमिनुल के बैंक अकाउंट जब पुलिस ने खंगाले तो उसके अकाउंट से 80 लाख रुपए पुलिस को मिले हैं। फिलहाल पुलिस अकाउंट को सील कराकर आरोपी के अन्य बैंक अकाउंटों के बारे में पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस अन्य लोगों की तलाश भी कर रही है और जल्द ही इस रैकेट में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीदें हैं।